उसी तरह टेलीपैथी में भी बिना किसी डिवाइस की मदद से दूर बैठे इंसानों के बीच बात करना पॉसिबल हो पाता है। जिस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको वो चीज मिल जाती है जिसे आप पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं, उसी तरह टेलीपैथी में भी जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे होते हैं, या तो वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसकी कॉल या मैसेज आपके पास आ जाते हैं। इसलिए आप हमेशा अपनी जिंदगी की किताब लिख रहे होते हैं और जो आपके थॉट्स होते हैं वही आपके एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। रात को सोने से पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये या वो काम हो जाए, और कुछ ही वक्त में आप पाएंगे कि जो भी आप चाहते थे वो आपके मन मुताबिक पूरा हो गया है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब आपने किसी को ये कहते हुए सुना हो कि तुमने तो मेरे मन की बात कह दी है, या फिर मेरे मन में भी यही था, मैं भी यही सोच रहा था और तुमने ये बात बोल दी। ऐसा सिर्फ आप ही के साथ नहीं बल्कि बहुत से लोगों के साथ होता है, और एक बार नहीं बार बार होता है। ये कोई संजोग नहीं है। ऐसी चीजें अगर आपके साथ बहुत बार हुई हैं तो इससे आप क्या समझते हैं कि हर बार आपके साथ एक संजोग होता है? ऐसी चीजों को हर बार संजोग नहीं कहा जा सकता, ये टेलीपैथी है। टेलीपैथी को अगर हम आसान शब्द में बताना चाहें तो इसका मतलब है कि बिना किसी चीज के इस्तेमाल के किसी के मन तक अपने मन की बात को पहुंचाना, इसी को टेलीपैथी कहा जाता है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक और एग्जांपल को लेते हैं जो हमें अक्सर अपनी जिंदगी में देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को कॉल करने के बारे में सोच रहे होते हैं और हमें उस इंसान की कॉल सामने से आ जाती है। इसी तरह जब आपकी बात बहुत वक्त तक किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं होती है और आप सोचते हैं कि आज मैं उसे मैसेज करूंगा, तभी उस इंसान का मैसेज आपके पास आ जाता है। इसे ही टेलीपैथी कहा जाता है। टेलीपैथी का मतलब सिर्फ अपने ख्याल दूसरों तक पहुंचाना ही नहीं है बल्कि दूसरों के विचारों को ग्रहण करना भी है। पूरी दुनिया में आए दिन लोगों के पास से टेलीपैथी के अलग अलग किस्से के बारे में जानने को मिलता है। हमारा लॉजिकल माइंड हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोगों के विचार एक दूसरे तक बिना किसी माध्यम के पहुंच रहे हों, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम अपने विचारों को बोल रहे हैं, ना लिख रहे हैं, और ना ही साइन लैंग्वेज के द्वारा किसी को बता रहे हैं। अब ये समझते हैं कि टेलीपैथी और सबकॉन्शियस माइंड दोनों कैसे जुड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुन पाएंगे तब आपको बहुत से टेलीपैथिक एक्सपीरियंस होंगे? जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड टेलीपैथी में बहुत ही जरूरी रोल प्ले करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत जबरदस्त होती है। ये आपको इंस्पायर करती है, आपको गाइड करती है और आपकी मेमोरी के स्टोर हाउस से नाम, फैक्ट्स और सीन को रिवील करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के सारे वाइटल प्रोसेसेस और फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उसे आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पता होते हैं। अब अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना सब कर सकता है तो ये भी आसानी से पॉसिबल है कि दूसरों को भेजे हुए टेलीपैथिक मैसेजेस आपका माइंड आपको बताए। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सोता नहीं है और ना ही कभी आराम करता है, ये हर वक्त अपना काम करता रहता है। अगर आप अपने माइंड की ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये या वो काम हो जाए, और कुछ ही वक्त में आप पाएंगे कि जो भी आप चाहते थे वो आपके मन मुताबिक पूरा हो गया है। आपका माइंड ही आपके सारे आइडियाज का सोर्स है। जो भी सोच, बिलीव्स, एस्पिरेशन और ओपिनियंस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इम्प्रिंट करते हैं, उन सभी को आप अपनी जिंदगी में हकीकत होता हुआ पाते हैं। जो भी आप अंदर लिखेंगे उसे आप बाहर पाएंगे। आपका ब्रेन आपके थॉट्स को रिसीव करता है जो आपके कॉन्शियस रीजनिंग माइंड का अंग है, और जब आपका कॉन्शियस माइंड उस थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो सोलर प्लेक्सस के पास चला जाता है जो आपके माइंड का ब्रेन है, और इसके बाद आपका सपना आपकी इच्छा हकीकत में बदल जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता, वो आपके कॉन्शियस माइंड के कंक्लूजन को ही फाइनल मानता है। इसलिए आप हमेशा अपनी जिंदगी की किताब लिख रहे होते हैं और जो आपके थॉट्स होते हैं वही आपके एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में सही और अच्छे ख्याल डालिए, और यही बात टेलीपैथी में भी काम आती है। जब आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे तब आपका माइंड अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो आपको अपनी सोच के पहियों को रोक देना है और नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करना है और आपको रिलैक्स हो जाना है। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि आपको सबकॉन्शियस माइंड से खुद के लिए काम कैसे करवाना है। यहाँ आपको सबसे पहली बात ये समझनी है कि चाहे कुछ भी हो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी बॉडी को बनाता है, लेकिन आप कॉन्शियसली उस प्रोसेस को सुन नहीं सकते हैं जो अंदर चल रहा है। आपका काम सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड से है, ना कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से। अपने कॉन्शियस माइंड को आप उन थॉट के साथ बिजी रखिए जिन्हें आप असलियत बनाना चाहते हैं। जब भी आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं या फिर डरे हुए होते हैं तब आप अपनी बॉडी के रूटीन फंक्शन में रुकावट पैदा कर रहे होते हैं। हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे ख्यालों को डालिए, इससे आपका माइंड शांत रहेगा और आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। जब आपकी बॉडी और आपका माइंड
दोनों ही रिलैक्स होंगे तब आप आसानी से टेलीपैथी के जरिए अपना ख्याल दूसरे के मन तक पहुंचा पाएंगे। अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि टेलीपैथी में आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये समझते हैं कि टेलीपैथी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे कनेक्टेड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम। हम लोग ये बात जानते हैं कि जिस भी चीज को हम दिल और जान से चाहते हैं वो हमें अपनी जिंदगी में जरूर मिलती है, फिर चाहे वो अच्छी सेहत हो, बहुत सारे पैसे हो या फिर कोई और चीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है जिसमें बताया गया है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके ख्याल होंगे वैसे ही चीजें आप अपनी जिंदगी में पाएंगे। कई बार आप देखते हैं कि आपकी सुबह की शुरुआत ठीक से नहीं हुई और फिर उसके बाद हर एक काम बिगड़ता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका एक काम खराब होता है तब आपके मन में नेगेटिव फीलिंग जनरेट हो जाती है और उसके बाद उन नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से आप नेगेटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं और इसी के साथ पूरे दिन आपके साथ नेगेटिव घटनाएं होती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि आज का दिन तो बड़ा अच्छा निकला क्योंकि उस दिन आपके साथ एक अच्छी बात हुई और आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर लिया जिससे सारी अच्छी बातें हमारे साथ होती चली गई। हम टेलीपैथी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। जिस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको वो चीज मिल जाती है जिसे आप पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं, उसी तरह टेलीपैथी में भी जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे होते हैं या तो वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसकी कॉल या मैसेज आपके पास आ जाते हैं। अब हम टेलीपैथी को और भी डिटेल में समझते हैं। साइंस ये जानती है और प्रूव भी कर चुकी है कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें विचार एक माइंड से दूसरे माइंड में काफी डिस्टेंस पर भी ट्रैवल करते हैं, पर अभी तक इसके बारे में ये नहीं पता चल पाया है कि टेलीपैथी क्यों और कैसे होती है। लेकिन हाँ, एक थ्योरी के आसपास एक अप्रोच जरूर है जिसमें माइंड को वायरलेस टेलीग्राफ से कंपेयर किया गया है और ये माना गया है कि इलेक्ट्रिसिटी की वेव्स की तरह ही विचारों की तरंगे यानी कि वाइब्रेशन भी ट्रैवल करती हैं। एक इंसान का माइंड ट्रांसमीटर की तरह काम करता है और दूसरे इंसान का माइंड रिसीवर की तरह काम करता है। जब भी कोई इंसान कुछ सोचता है तब उसके ब्रेन में वाइब्रेशन बन जाती है और जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की वेव्स होती हैं उसी तरह थॉट्स की भी वेव्स होती हैं। साइंस से हमें ये भी पता चला है कि जब भी हमारे मन में किसी भी तरीके की थॉट एक्टिविटी होती है यानी कि जब भी हमारे मन में कोई विचार आ रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन में टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और जब भी हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं तब उसके स्ट्रक्चर में लगातार केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। जिस तरह एक बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ठीक उसी तरह वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होती है और एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में ट्रांसमिट होती है। अब आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि थॉट्स भी एक दूसरे ब्रेन में वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर ट्रैवल करती है। जब आप ये थ्योरी अपने मन में रखेंगे तब आप ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि किस तरह एक विचार एक मन से दूसरे मन के अंदर आ जाता है। हम सभी को जरूर एक बार ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो बात हम बोलने के बारे में सोच रहे होते हैं वो कई बार हमारे मुंह से निकलने से पहले दूसरों के बोल बन जाते हैं और वो हमें उनके मुंह से सुनने को मिलता है। इसी तरह एक और एक्सपीरियंस कॉमन है और वो ये है कि जब भी आप किसी के बारे में सोच या बोल रहे होते हैं तब वो इंसान आपकी आंखों के सामने आ जाता है और फिर खुद ब खुद हम ये बोल पड़ते हैं कि तुम 100 साल जियोगे, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे या तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान हमें कई दिनों या महीनों के बाद ध्यान आता है और इतने अरसे बाद ध्यान आने पर अचानक वो इंसान हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि आज ही तो मैं इस इंसान के बारे में सोच रहा था और ये मेरे सामने भी आ गया। बेशक ऐसे सरप्राइजिंग इंस्टेंसेस हमें अपनी जिंदगी में कई बार देखने और सुनने को मिले होंगे। इन बातों को डिस्क्राइब करती हुई इंग्लिश की एक बहुत ही फेमस कहावत है, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, जिसे हम हिंदी में कुछ इस तरह से जानते हैं कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब ये तो हुई शैतानों की बात, इसी तरह इंग्लिश में एक और कहावत है लेकिन अच्छे महीने में, स्पीक ऑफ द एंजल्स एंड यू हियर द रसल ऑफ देयर विंग्स। इसका मतलब है अच्छी बातें बोलने से अच्छी चीजें होती हैं। अब ये जानते हैं कि टेलीपैथी और माइंड रीडिंग कैसे कनेक्टेड है। क्या आप जानते हैं कि माइंड रीडिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग और दूसरा टेलीपैथिक माइंड रीडिंग। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग में ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है जिसके जरिए ट्रांसमीटर के वाइब्रेशंस, थॉट वेव्स, नर्व करंट और मैग्नेटिज्म रिसीवर तक पहुंचते हैं। वहीं अगर बात की जाए टेलीपैथिक माइंड रीडिंग की तो उसमें वाइब्रेशंस, थॉट वेव्स, नर्व करंट्स और मैग्नेटिज्म का ट्रांसफर ट्रांसमीटर से रिसीवर में स्पेस के जरिए होता है बिना किसी वायर के। अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग और टेलीपैथिक माइंड रीडिंग टेलीग्राफिक फिनोमेना से काफी हद तक मिलते जुलते हैं क्योंकि टेलीग्राफिक फिनोमेना में वायर और वायरलेस सिस्टम होता है। चलिए कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये बेहद आसान डेमोंस्ट्रेशन है और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के बेस्ट टेलीपैथिस्ट को भी शुरुआत में कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग की प्रैक्टिस से ही ट्रेन किया गया है। अब इसके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग को मसल रीडिंग भी कहा जाता है।
इस मेथड में एक इंसान के विचारों को उन इंपल्सेस से पढ़ा जाता है जो मसल मूवमेंट के थ्रू होती हैं। इस मेथड को सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे सीखने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ लोग दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ही अच्छे ट्रांसमीटर होते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चलने लग जाएगा कि एज ए ट्रांसमीटर किस इंसान को चुनना बेहतर रहेगा। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग इसलिए काम करती है क्योंकि एक इंसान के इंटेंशंस सबकॉन्शियसली उसके फिजिकल मूवमेंट को बताते हैं। इन सब में एक बेसिक मेथड इस्तेमाल होता है जिसमें एक इंसान के हाथ में होने वाले अनकॉन्शियस मूवमेंट से उसके कॉन्शियस इंटेंशंस और उसके इरादों का पता लगाया जा सकता है। जब आप इसकी और भी गहराई में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मसल मूवमेंट से ज्यादा इसका काम है नर्वस सेंसेशन को बॉडी से ब्रेन तक ट्रांसमिट करना और मोटर इम्पल्सिस को ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाना। जब आप अपने हाथ को बंद करके मुट्ठी बनाना चाहते हैं तब आप अपने ब्रेन से आपके हाथों को कंट्रोल करने वाली मसल को नर्वस करंट भेजते हैं, जिसकी वजह से करंट आपके नर्वस सिस्टम में फ्लो करता है और फिर मसल में जाकर फैल जाता है, जिसके बाद वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और मुट्ठी बन जाती है। अब इसे इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एल्युमिनियम बैटरी से निकला हुआ करंट भी मसल से कुछ ऐसा ही काम करवाएगा। यहाँ पर मसल वो मशीनरी है जिस पर करंट का असर पड़ा है और उसमें मोशन हुआ है। यहाँ पर नर्व्स वो डेलिकेट टेलीग्राफिक वायर्स हैं जिनसे पार्ट्स बने हैं, और बिल्कुल ऐसा ही मेंटल वेव्स और करंट के ट्रांसमिशन में होता है। ट्रांसमीटर का ब्रेन एक पावरफुल करंट या वेव को नर्वस सिस्टम के जरिए भेजता है, और जब वो करंट उंगलियों की टिप्स तक पहुंचता है उसके बाद ये करंट रिसीवर के हाथों की उंगलियों की टिप्स के जरिए एंटर करता है और रिसीवर के नर्वस सिस्टम में घुस जाता है और उसके एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। अब यहाँ रिसीवर पैसिव कंडीशन में होता है और उसे उसका ब्रेन प्रैक्टिकली कोई इम्पल्स नहीं भेज रहा होता है। इस वक्त रिसीवर एक रिसेप्टिव कंडीशन में होता है और जो करंट ट्रांसमीटर की नर्व से उसके अंदर आया होता है वो रिसीवर को लगता है और वो करंट उसके खुद के ब्रेन ने उसे भेजा है। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग का सीक्रेट यही है और इसी को नर्व रीडिंग भी कहा जाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी इंसान के ऐसे पिक्यूलियर टच को महसूस किया होगा जिसमें दूसरे इंसान के छूने से आपके अंदर एक करंट या मैग्नेटिज्म महसूस होता होगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी उंगलियों की टिप्स उसी नर्व मैटर के मास से भरी हुई होती है जिसे दिमाग के हिस्से बने होते हैं, बल्कि वो तो फिंगर ब्रेन्स हैं, और ये फिंगर ब्रेन्स एक माइंड से दूसरे माइंड में डेलिकेट इम्पल्सेस को भेजती हैं और रिसीव करती हैं। जो भी कोई इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेगा वो समझ पाएगा कि जब भी वो किसी हिडन ऑब्जेक्ट को ढूंढेगा तब माइंड रीडिंग की मदद से वो ट्रांसमीटर को पूरे तरीके से भूल जाएगा। वो ये भूल जाएगा कि वो कहाँ है और महसूस करेगा कि वो हवा में तैर रहा है। उस एक्सपेरिमेंटर को ऐसा महसूस होगा कि वो किसी बाहरी एनर्जी से उस हिडन ऑब्जेक्ट की ओर खींचा चला जा रहा है। उसे बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे वो हिडन ऑब्जेक्ट उसे मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींच रहा है और उस स्पॉट तक खींचकर ले जा रहा है जहां वो ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। जो भी इंसान टेलीपैथी के बारे में सुनता है उसे इस सब्जेक्ट में रुचि आने लगती है। आज जमाना पहले के मुकाबले बहुत मायनों में बदल गया है। जैसा कि हमने वायरलेस टेलीग्राफ के बारे में जाना, पहले के जमाने में तो ये वायरलेस टेलीग्राफ सिर्फ एक सपना ही था। लोग अक्सर ये सोचा करते थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि लोग बिना किसी तार या फिजिकल मीडियम के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन आज वो वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस की वजह से हम सात समुद्र पार बैठे लोगों से वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घंटों बात किया करते हैं। आज हम सभी लोग अपने से दूर बैठे हुए लोगों से मोबाइल, इंटरनेट और वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करते हैं। यहाँ पर बात करने के लिए हम किसी फिजिकल मीडियम का नहीं बल्कि वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितना भी अब तक हम लोगों ने टेलीपैथी के बारे में जाना है, हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं क्यों टेलीपैथी की तुलना वायरलेस टेलीग्राफ से की गई है। जिस तरह वायरलेस टेक्नोलॉजी में किसी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसी तरह टेलीपैथी में भी बिना किसी डिवाइस की मदद से दूर बैठे इंसानों के बीच बात करना पॉसिबल हो पाता है। टेलीपैथी को हिंदी में दूरानुभूति भी कहा जाता है क्योंकि दूर बैठे लोगों में इसकी मदद से बात हो पाती है। महाभारत काल में संजय ने भी इस क्षमता का इस्तेमाल करके धृतराष्ट्र को दूर चल रहे युद्ध का वर्णन करके सुनाया था। इसी तरह टेलीपैथी का इस्तेमाल करके दो लोगों के बीच बिना किसी डिवाइस के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। आमतौर पर हम अपनी रोज की जिंदगी में अपनी पांचों सेंसेस यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, छूना और चखना, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो भी काम होते हैं उसमें इन्हीं पांच इंद्रियों का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टेलीपैथी में इन पांचों इंद्रियों में से किसी का भी कोई काम नहीं है। दूसरों के मन तक विचार पहुंचाने और दूसरों के विचार पाने के लिए आपको अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना है। अब ये समझते हैं कि कैसे हम टेलीपैथी को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने टेलीपैथी के बारे में बहुत कुछ समझ और जान लिया है और अब मैं इसे जब चाहे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि टेलीपैथी को कॉन्शियसली इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस बेहद जरूरी है, और इसके लिए सबसे पहले आपको एक शांत जगह ढूंढनी है।
ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आपको कोई शोर सुनाई ना दे और किसी की भी दखल अंदाजी ना हो। अब जिस भी वक्त आपको ऐसी जगह मिल जाए वहां पर आराम से बैठ जाइए। इसके बाद आपका काम है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और तब तक अपने विचारों पर ध्यान लगाएं जब तक आपका मन शांत ना हो जाए और आपके विचारों में स्थिरता ना आ जाए। जैसे ही आपके विचारों में स्थिरता आएगी आपका मन शांत हो जाएगा। अब आपको उस इंसान के बारे में सोचना है जिसको आप अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं। ये इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे आप इमोशनल लेवल पर अटैच हैं, क्योंकि टेलीपैथी में विचारों का आदान प्रदान उन्हीं लोगों के बीच हो सकता है जिनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो भी लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा बॉन्डेड और बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होंगे वो चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो उनके मन के बीच विचार आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मैसेज सोचना है और उस इंसान के मन में भेजना है जो आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है। अब आपने अपना काम पूरा कर दिया है। इसके बाद आपको रिसीवर से ये पूछना है कि उसे अपने मन में क्या मैसेज मिला। फिर आपको इन दोनों मैसेज को कंपेयर करना है और देखना है कि जो मैसेज आपने रिसीवर को भेजा है क्या वही मैसेज उसे भी मिला है या नहीं। अगर नहीं तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर इसके कुछ वक्त बाद आप पाएंगे कि कैसे टेलीपैथी की मदद से आप अपना मैसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हमें किस तरह मैसेज को रिसीवर तक टेलीपैथी के जरिए पहुंचाना है। लेकिन अब भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान हमें बारीकी से अपना मैसेज भेजते वक्त रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, जिस भी शांत जगह पर आप बैठे हैं वहां आपको अपने फिजिकल सेंसेस से ध्यान हटाना है। आपका ध्यान सिर्फ उस इंसान पर होना चाहिए जिसका आप मैसेज भेज रहे हैं और साथ ही उस मैसेज पर आपका खास फोकस होना चाहिए जिसे आप रिसीवर तक भेजना चाह रहे हैं। एक टेलीपैथिक मैसेज भेजने के लिए आपको मेंटली बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ता है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरह से रिलैक्स हो जाएं। इसमें योगा और स्ट्रेचिंग आपकी बहुत मदद कर सकता है। एक शांत मन के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इसलिए आपको आराम से बैठकर लूज फिटिंग के कपड़ों में जिनमें आप कंफर्टेबल फील करें उसमें योगा करना चाहिए। मेडिटेशन करते वक्त ऐसा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि वो सारे विचार आपके मन से दूर जा रहे हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं और आपका मन साफ होता चला जा रहा है। जब आप एक शांत अवस्था में आ जाएं तब आप टेलीपैथिक मैसेज को भेज सकते हैं। अब टेलीपैथिक मैसेज को भेजते वक्त एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी मैसेज आप रिसीवर को भेजना चाह रहे हैं वो या तो एक आसान सी इमेज होनी चाहिए या फिर एक आसान सा वर्ड, क्योंकि जब भी आप टेलीपैथी की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसे सिंपल से ऑब्जेक्ट का ही मैसेज भेजना है जो आपके आसपास हो, जैसे कि एक कुर्सी, एक किताब या फिर एक बॉल। मैसेज भेजते वक्त इमेजिन कीजिए कि आपको रिसीवर से बात करते हुए कैसा महसूस हो रहा है और विजुलाइज कीजिए कि रिसीवर को वो मैसेज मिल चुका है। इसके बाद आप दोनों यानी कि सेंडर और रिसीवर भेजे हुए और रिसीव हुए मैसेज को कंपेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमने जाना कि टेलीपैथी हमें दूसरे इंसान से बिना किसी डिवाइस की मदद से मन की तरंगों से बात करने में मदद करती है। जब भी आप किसी से टेलीपैथी के जरिए बात करना चाहते हैं आप उसे एक शांत जगह पर बैठकर और अपना ध्यान केंद्रित करके किसी दूसरे इंसान तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको रिसीवर से बात करवाने में मदद करता है और टेलीपैथी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक हिस्सा है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए पूरा विश्वास रखते हैं, ठीक उसी तरह टेलीपैथी में भी हम उन लोगों से मिल जाते हैं जिनके बारे में हम शिद्दत से सोच रहे होते हैं। अब यहाँ पर मेरा फाइनल सजेशन आपको ये है कि आप इसे एक महीने तक ट्राई करें और टेलीपैथी के जरिए अपने चाहने वालों को मैसेज देने की कोशिश करें। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस के साथ आप अपने मैसेज को बहुत दूर बैठे हुए लोगों को भी पहुंचा सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। तो अभी से इसकी शुरुआत करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी टेलीपैथी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है और इसके क्या रिजल्ट हैं। धन्यवाद। अगर आप हमारी समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं। अब आप हमारी सभी बुक समरीज को इंडिया के सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड हिट द बेल आइकन ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियोस को देख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। Thank you so much.